हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने चेक बॉक्सेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट नेटिव पेपर चिप के बारे में। तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव पेपर की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, चिप्स आर कॉम्पैक्ट एलिमेंट दैट कैन रिप्रेजेंट इनपुट्स, एट्रीब्यूट्स और एक्शंस। दे कैन हैव आइकन अवतार ऑन द लेफ्ट एंड अ क्लोज बटन आइकन टू द राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिप विजिबल है, यहाँ पे अवतार यूज किए हुए हैं, आइकन्स यूज किए हुए हैं। तो इस तरीके के चिप्स हम कई बार देखते हैं, हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे फ्लैट टाइप के चिप्स होते हैं एंड आउटलाइन टाइप के चिप होते हैं। आउटलाइन में सिंपली एक यहाँ पे आउटलाइन होगी और फ्लैट में बैकग्राउंड कलर होगा। तो हम देख लेते हैं कि इनको कैसे डिजाइन करते हैं। इसके लिए हमें सिंपली चिप इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पेपर एंड देन चिप में हम आइकन में आइकन का नेम पास कर सकते हैं एंड देन उसे क्लिकेबल बनाने के लिए ऑन प्रेस यूज करेंगे। ऑन प्रेस पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे कंसोल किया हुआ है और चिप के अंदर जो लेबल होने वाला है वो आप इनसाइड टैग्स लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल चिप। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीन बना लेती हूँ का नाम होगा चिप स्क्रीन डॉट जेएस। यहाँ पे मैं RNFE से फंक्शनल कंपोनेंट बना लूँगी और एप डॉट TSX में हम चिप स्क्रीन इंपोर्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिप स्क्रीन आ गया है। अब रिएक्ट नेटिव पेपर से हम चिप इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे चिप इंपोर्ट हो गई है एंड देन चिप के अंदर हम आइकन लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ आइकन ले रही हूँ, इसको सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक आइकन आ गया है। इसमें डिफॉल्ट आई थिंक फ्लैट होता है, इसीलिए हमें एक बैकग्राउंड दिख रहा है। यहाँ पे गिवन है कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है फ्लैट। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम मोड में आउटलाइन देके आउटलाइन चिप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। तो अभी हम फ्लैट के साथ ही चलते हैं। आइकन हमने दे दिया है, अब हम इसका टाइटल देंगे। तो टाइटल में हम दे देते हैं सिंपल। तो टाइटल के लिए सिंपली आपको इसके अंदर लिखना है टाइटल। तो अब हम यहाँ पे ऑन प्रेस लगाएंगे आइकन के बाद। तो ऑन प्रेस में हमने सिंपली लिखा है प्रेस्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपल प्रेस्ड। तो यहाँ पे हमने कंसोल लॉग लगा दिया है। अब हम टर्मिनल में देखेंगे कि जब भी हम सिंपल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंसोल में लिखा हुआ आएगा सिंपल प्रेस्ड। तो आप यहाँ पे चाहे तो आइकन भी चेंज कर सकते हैं, ऑन प्रेस में कोई और एक्शन डाल सकते हैं, अपना टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके मल्टीपल प्रॉप्स हैं, तो सबसे पहले हम मोड टेस्ट कर लेते हैं। मोड में हम लेंगे आउटलाइन, तो यहाँ पे आउटलाइन चिप आ गई है। आइकन आप दे सकते हो, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे आइकन दिया भी है। तो यहाँ पे आपको आइकन का नेम डालना है, अवतार आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे गिवन है जैसे ये इमेज। अवतार में आप इमेज दे सकते हो, लोकल इमेज या इमेज का URL दे सकते हो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में चेक बॉक्सेस में यूज किए थे। और क्लोज आइकन सेलेक्टेड, सेलेक्ट कलर। अब मल्टीपल प्रॉप्स हैं, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट करता है आप वो प्रॉप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चिप डिजाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।